हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके चैनल पिक्सल वर्ल्ड हिंदी में। तो दोस्तों, जियोफोन 2 के लेवल का हमें एक स्मार्टफोन मिल गया है जो कि जियोफोन 2 के सेम प्राइस में आता है, लेकिन वो क्वालिटी कीपैड नहीं या तो बेसिक फ़ोन नहीं, वो एक कम्प्लीटली प्रॉपर स्मार्टफोन है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हम जियोफोन 2 की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि दोस्तों 2999 यानी 3000 में हमें कोई भी स्मार्टफोन मिलता नहीं है, और जियोफोन 2 में हमें ड्यूल सिम का ऑप्शन मिल जाता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे कुछ सारे अपडेट मिल जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि उसमें क्वार्टी कीपैड मिल जाता है जैसे कि हमें स्मार्टफोन के कीबोर्ड में मिलता है। तो दोस्तों, इसी वजह से हम उस प्राइस रेंज में जियोफोन 2 की तरफ जाते हैं क्योंकि स्मार्टफोन उस प्राइस रेंज में हमें नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, बिग बिलियन डेज की जो को ऑफर आने वाली है 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में, इसमें मैंने एक फ़ोन ढूंढ निकाला है जो कि दोस्तों जियोफोन 2 के प्राइस रेंज में ही आता है, लेकिन उसकी प्राइस वैसी ही नहीं है, उसकी प्राइस घटा के 2999 की गई है। बेसिकली हमें 2999 में काफ़ी सारे फ़ोन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी लो फीचर्स आते हैं, लेकिन इसकी प्राइस उतनी नहीं है। इसकी प्राइस बिग बिलियन डेज के हिसाब से घटाकर 2999 कर दी गई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि ये फ़ोन कौन सा है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं पिक्सल वर्ल्ड हिंदी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसे ही डील्स, ऑफर, कैशबैक, कूपन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको भी इन सब में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चले जाना होगा अपने फ्लिपकार्ट के ऐप में। ऊपर चले जाएंगे मोबाइल के ऑप्शन में। मोबाइल के ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा सुपर ऑफर जो कि हमें मिल रहा है 2999 का पैनासोनिक P91। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं कंपैरिजन भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जियोफोन 2 से क्यों है बेहतर। तो दोस्तों, इसकी प्राइस अभी देख लीजिए 3999। बेसिकली ये 4000 का फ़ोन है, लेकिन आपको ये 1000 रुपये घटा के 2999 का मिल रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर ये फ़ोन हम परचेस करेंगे तो इसके बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। तो हेडसेट, बैटरी, चार्जर, USB केबल और प्रोटेक्टिव स्क्रीन गार्ड, ये बहुत अच्छी बात है। क्विक स्टार्ट गाइड, एयरफोन्स मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वारंटी कार्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके फीचर की तरफ। तो इसमें मिल जाएगा हमें 1GB की रैम, 16GB की स्टोरेज और 64GB के लिए हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 इंच की VGA डिस्प्ले दी गई है IPS के साथ, और इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट मिल जाएगा हमें 5 मेगापिक्सल का। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें मिल जाती है हमें 2500mAh की बैटरी। ये थी दोस्तों बेसिक चीज़ें जो कि ये स्मार्टफोन के बारे में मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये फ़ोन हम जियोफोन 2 के अलावा सेम प्राइस में लेते हैं तो हमें जियोफोन 2 से ज़्यादा क्या मिलता है। अब बढ़ते हैं हम कंपैरिजन की तरफ। तो दोस्तों, अब कर लेते हैं कंपैरिजन जियोफोन 2 के साथ और पैनासोनिक P91 के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में हमें मिल जाता है जियोफोन 2 में सिर्फ 2.4 इंचेस की डिस्प्ले, और इसमें मिल जाती है हमें 5 इंच की HD डिस्प्ले जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ की स्मार्टफोन में आती है। और दोस्तों, इसे मिल जाता है हमें जियोफोन 2 में ड्यूल कोर का प्रोसेसर जो कि 1 GHz के साथ आता है, 512MB रैम के साथ, और इसमें मिल जाता है हमें क्वाड कोर का प्रोसेसर 1.1 GHz के साथ और 1GB रैम के साथ, यानी उसका दुगना। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो जियोफोन 2 में हमें मिल जाती है 4GB की स्टोरेज जिसे हम 128GB के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसमें मिल जाती है हमें 16GB की स्टोरेज और 128GB के साथ हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप ही देख लीजिए फ़र्क कितना दिखाई दे रहा है स्टोरेज में। 2 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और फ्रंट दिया गया है 0.3 MP का। ये तो हर नाम के वास्ते दिया गया है जियोफोन में। और इसमें मिल जाता है हमें बेसिक सा जो कि स्टार्टिंग रेंज के स्मार्टफोन में मिलता है 8 MP का रेयर कैमरा, और फ्रंट मिल जाता है हमें 5 MP का कैमरा। बैटरी में भी यहाँ थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया है जो कि जियोफोन 2 में हमें मिल जाता है 2000mAh की बैटरी, और इसमें मिल जाती है पैनासोनिक के फ़ोन में 2500mAh की बैटरी। तो दोस्तों, इतना काफ़ी आपको समझाने के लिए। अगर आप भी अभी भी जियोफोन 2 लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही मत लीजिए। आपको सेम प्राइस में जब स्मार्टफोन मिल रहा है तो आपको जियोफोन 2 लेकर क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।